वसई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसकी दास्तान जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये शातिर चोर अय्याशी के लिए कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले क्राइम ब्रांच जोन 2 की हद में वाहन चोरी और मोबाइल चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई थी, जिस पर पुलिस वरिष्ठों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच जोन 2 की टीम ने तकनीकी जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों द्वारा मिली सूचना के आधार पर वाहन चोरी मामले में शादाब उर्फ बाबा उर्फ तावड़े नौशाद शेख को गिरफ्तार किया। वहीं उसके पास से पुलिस ने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत वाहन चोरी के 11 मामले, घरपोड़ी का एक मामला, मोबाइल चोरी का एक व अन्य एक ऐसे कुल 14, मुंबई के 3 ऐसे 27 आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है। वह पकड़े गए आरोपी के पास से 12 दो पहिया वाहन, 2 चार पहिया वाहन, 4 मोबाइल व 1 डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला हैंड वॉइस व चाबियों का गुच्छा, कुल 6 लाख के आसपास का माल बरामद किया। वही मोबाइल चोरी मामले में क्राइम ब्रांच जोन 2 की टीम ने जाकिर अली, महबूब अली शेख उर्फ कालिया नायगांव निवासी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी के पकड़े जाने से घरपोड़ी के 4 मोबाइल चोरी के 4 ऐसे 8 आपराधिक मामलों का भी खुलासा हुआ है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 1,49,000 कीमत के 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वही ये पूरी कार्रवाई वसई क्राइम ब्रांच 2 के पुलिस निरीक्षक साहूराज रणवरे, सह पुलिस निरीक्षक सुहास कांबले, सागर शिंदे, संजय नवले, रमेश भोसले, प्रफुल्ल पाटिल, चंदन मोरे, सचिन पाटिल, जगदीश गोवारी, रमेश अलदर, सुधीर नरले, दादा आड़ के प्रशांत ठाकुर, बोल कोरे ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीक शक्ति न्यूज। आचोले पुलिस स्टेशन के अंदर दीपक शाह नाम के एक व्यक्ति न्यू लिंक रोड में रहते हैं। 31 तारीख से 1 तारीख तक उनकी सिल्वर कलर की वैगन आदमी ने चोरी हो गई, ऐसा उनको पता चलने के बाद स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की। उसके तहत 423/2023 उसमें पता करना चालू किया और जो अक्यूज था शादाब उर्फ बाबा नौशाद शेख, वो जब दवाई लेने के लिए पहुंचा हमने उसको गिरफ्तार किया और उसको अरेस्ट कर लिया। ये जो शादाब उर्फ नौशाद शेख है, ये रहने वाला कुरला का है और अभी इसके रिलेटिव्स के पास में यहाँ पे वसई विरार में रहने को आया है, इसनी इन्फॉर्मेशन मिली। इंट्रोगेशन में हमने उसके पास से पूरा पूछताछ कर किया और उसके बाद में हमने अभी तक 2 4-व्हीलर्स, 12 बाइक, 4 मोबाइल, इतना अभी तक हमने उसके पास से बरामद किया है। इसमें करीबन वसई विरार के एरिया में के 14 गुने डिटेक्ट हुए हैं, उसमें व्हीकल थेफ्ट के 11 गुने हैं, घरफोड़ी हाउस ब्रेकिंग का 1 है, मोबाइल चोरी का 1 है और 1 अलग चोरी का, ऐसे करीबन 14 गुने हमने अभी तक डिटेक्ट किए हैं। सर, ये जो गाड़ी चोरी करता था उसका किस तरह से इस्तेमाल करता था? ये बेसिकली गाड़ी चुराता था, उसने एक जो चाबी बनाने वाला एक दुकान है उसका दुकान पहले उसने शटर फोड़ के उसका जो सामान चोरी किया था, उसके बाद में वो
चाबी लगा के, डुप्लीकेट चाबी लगा के वो बाइक्स या फोर व्हीलर चोरी करता था। जैसे ही उसमें का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता था वो गाड़ी फेंक के दूसरी गाड़ी चोरी करता था। सर इसके लिए कोई उसका मोटरसाइकिल था कि कैसे रेकी करता था? आपको बताया ना मैंने कि उसने वो डुप्लीकेट चाबी बना के जो गाड़ी अवेलेबल दिख गई उसको मिल गई वो गाड़ी चुरा के पेट्रोल खत्म होते तक यूज करता था, उसके बाद में वो गाड़ी फेंक देता था। इसका एज ग्रुप क्या है और किस हिसाब से? ये 23 साल का है, इसके ऊपर पुराने 9 गुने दाखिल है मुंबई के एरिया में, कुर्ला पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुने दर्ज है और ये यही मोटरसाइकिल चोरी के गुने। सर ये लोग किस गैंग वगैरह हैं? अभी तक तो उसमें सिर्फ एक ही बंदे का इन्वॉल्वमेंट पता चला है, इसके बाद में और कोई इसके साथीदार है क्या है वो अभी हमने पुलिस कस्टडी ली है, पुलिस कस्टडी में आगे की जांच हम लोग करेंगे। किस तरीके गाड़ियों को टारगेट करते थे, मतलब पार्किंग में या कैसी गाड़ियों को कैसे उठाते? आपको बोला मैंने वैगन आर है, करीबन 12 टू व्हीलर्स है तो ये सोसाइटी के बाहर में जो गाड़ी पार्क होते हैं या कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के यहाँ पे या मार्केट के प्लेसेस में वो गाड़ियों को चुरा के लेके जाते हैं। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।